अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यार इस वक्त हमारा मुल्क और हमारे लोग जिन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हमें चाहिए कि अपने इर्द-गिर्द लोगों का भरपूर ख्याल रखें। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से है और मेरे लिए पाकिस्तान की दीगर तमाम सियासी जमातें बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, क्योंकि वो इसी डेमोक्रेटिक निज़ाम का हिस्सा है। इस वक्त टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर बैठ के एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करना या ज़बरदस्ती शटर डाउन हड़तालें करवाना, ट्रस्ट मी, ये सब शैतानी डिस्ट्रैक्शंस हैं। असल सियासत सिर्फ इंसानी खिदमत है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंशूर है और इस पर अमल भी किया जा रहा है। अल्लाह के फजलो करम से लाहौर की मुख्तलिफ यूसीज में सस्ती रोटी के तंदूर, सस्ते सब्जी बाजार, फ्री डिस्पेंसरीज और दस्तरखान कायम किए जा चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पूरे पाकिस्तान की हर यूनियन काउंसिल का यही मॉडल होगा। मैं वाजिया कर दूँ, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात किसी भी इलाके से है, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और इंसानी खिदमत का जो काम है भरपूर तरीके से अंजाम दें। जो भाई पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ज्वाइन अस टू सर्व द ह्यूमैनिटी। शुक्रिया।